जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन इसको अगर समझ लिए ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा और नहीं समझ पाए तो बहुत कठिन भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, समझ आया ना, कोई नाव है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, मतलब कि धारा में जाने में और आने में दोनों में उसको मिलाकर कितना घंटा समय लगता है, 10 घंटा ये लगता है ना। अब आगे कह रहा है देखिए 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर सॉरी 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर लिख देंगे कि माना नाव की स्थिर पानी में चाल कितना है, एक्स किमी प्रति घंटा, एक्स किमी प्रति घंटा तथा और क्या है आपका देखिए धारा की भी चाल पूछा है तो यहां लिखेंगे तथा धारा की चाल वाई किमी प्रति घंटा है। अब जरा समझिएगा क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, अब यहां पर हम लोग प्रश्नानुसार आ जाते हैं, प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, होता है कि नहीं होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है और देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय होता है कि नहीं, और या फिर समय बराबर हो जाएगा, देखिए दूरी बटा के क्या हो जाता है आपका चाल हो जाएगा, दूरी बटा के चाल, और अब जाने में जितनी दूरी और जो चाल रही होगी अब प्लस आने में, देखिए जाने में जैसे यहां पर देखिए जाने में वो कितना समय ले रहा है, देखिए जाने में ले कितना दूरी तय कर रहा है, देखिए 30 किलोमीटर बटा के जो भी चाल रही होगी हमको नहीं पता है। ठीक है, अब प्लस आने में कितना कर रहा है, दूरी कितना तय कर रहा है, देखिए 44 किलोमीटर और इन दोनों को मिलाकर के वो टोटल कितना समय ले रहा है, 10 घंटा। कितना समय ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है, पहला कंडीशन। और दूसरा ये देखिए प्रथम है द्वितीय शर्त, इसके आगे मैं समझाता हूं अभी अच्छी तरह समझिए मैं आएगा पर इसको समझने के लिए। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कि वह कितना है, देखिए 40 किलोमीटर कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर समथिंग मान लेते चल, हमें भी नहीं पता है कितना है, जाने वाली चल अलग रही होगी आने वाली अलग रही होगी, अब प्लस आने में कितना है 55 किलोमीटर और इन दोनों को मिलाकर वो कितना समय ले रहा है, 13 घंटा। ठीक है, अब जरा एक बात बताइएगा मैं इसको समझाता हूं अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, एक हो गया, ये मान लेते हैं कि धारा के उठा जा रही है, ठीक है धारा की दिशा में जा रही है, ठीक है, और ये एक और मैं कर लेता हूं, ठीक है ये मैं एक और बना लेता हूं, ये मान लेते हैं नदी है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा कि वो कह रहा है देखिए कि 30 किलोमीटर क्या कर रही है, देखिए धारा के प्रतिकूल जा रही है। ठीक है, तो नाव की चाल अगर x किलोमीटर है, मान लेते हैं कि नाव इधर जा रही है और धारा की चाल इधर आ रही है, बस समझ में, नाव मतलब आपका इधर जा रही है, ऐसे पे जा रही है और धारा की चाल कितना है, इधर जा रही है। अब ये नाव की जो चाल है ये x है और धारा की जो चल है आपका वाई है। जरा एक बात को समझने की कोशिश दिमाग में करिएगा, अगर मैं यक्ष के स्पीड से इस पे जा रहा हूं और ये वाई और धारा जब चल रही है तो वो भी तो धक्का लगा रही है, लगा रही है कि नहीं लगा रही है, तो अब आपकी चाल क्या होगी, अगर मैं मानता हूं मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूं, सबको समझने की कोशिश करिएगा, और ये मानते हैं 2 की स्पीड से हमको धक्का लगा रही है तो मेरी स्पीड कितना, 2 कम होगी कि नहीं होगी, होगी 8 हो जाएगी, 8 मतलब कि 10 में से 2 घटेगी, मतलब कि ये जो चाल होगी, मतलब इस नाव की जब चाल क्या होगी आपकी, एक्स माइनस वाई होगी या नहीं होगी, होगी ना, समझ में, या फिर आप ऐसे करेंगे
कि आप किसी उस पे, ये जो आपका होता है ओवरब्रिज पे रोलिंग लगी रहती है, या फिर जीव में देखते हैं साइकिलिंग जो लोग करते हैं ना, एक ही जगह पे ऐसे खड़े होकर कैसे ऐसे करते रहते हैं, उस क्या चलते नहीं है, चलते हैं, लेकिन वो दोनों समान क्यों रहता है, क्योंकि जितनी स्पीड से वो चलता है उतनी स्पीड से ये भी चलते हैं, और दोनों एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, बस समझ में नहीं। तो अब देखिए, जब ये चाल इधर ये जा रही थी और धारा की चाल इधर आ रही थी, अब समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन जब धारा भी आपका इधर बह रही हो और नाव भी इधर ही जा रही हो, तो ये एक्स है, एक्स है, और इसकी भी स्पीड क्या है आपका, वाई है। अब जैसे आप एक्स किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे चल रहा हूं और कोई पीछे हमसे धक्का मेरे ऊपर लगाए, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और जितना की स्पीड से मैं लगाऊंगा धक्का उतनी बढ़ेगी, मतलब चाल क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में नहीं आया, आया ना। तो यहां पर जो आपका चाल होगा 30 किलोमीटर धारा के कह रहा है कि प्रतिकूल जा रहा है, मतलब धारा इधर बह रही है और ये जा इधर रही है, जब इधर जा रही है तो एक्स में से ये वाई धारा की चाल क्या होगा, वो लगाएगा धक्का लगाएगा तो घटेगा, कब ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा तो चाल हो जाएगा एक्स माइनस वाई, हुआ कि नहीं हुआ, तीस किलोमीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, हुआ कि नहीं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ये वाला चाल आपका हो गया, देखिए क्या हो गया आपका एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल जा रहा था, लेकिन जब ये अनुकूल, जब ये अनुकूल जब वापस आ रहा है तो धारा भी, मान लीजिए इधर धारा बह रही है और इधर नाव भी जा रही है, तो एक्स किलोमीटर इसकी चाल है, तो धारा तो अपना सपोर्ट दे दिया, स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक्स और प्लस वाई जुड़ जाएगा, समझ में आया नहीं बातें, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, समझ में आया। और यहां पर भी वही चीज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, तो हो जाएगा देखिए एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस। अब इसको चाहे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तरीका इसका हम लोग इधर से गुणा कर लें, तिरे गुणा कर लें, और उसके बाद मतलब इसका क्या करें, इसे तिरे गुणा कर लें, वैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम मान लें कि x माइनस वाई बराबर ए और x प्लस वाई बराबर बी, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर वहां से निकाल लेंगे, वैसे भी आपका निकल सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग x माइनस वाई बराबर ए और बी मान करके सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देना, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए, हाँ पूछिए, जो चाल का फॉर्मूला आप लगाए थे, हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ, तो उसको बदल कर समय बराबर चाल, हाँ, तो समय बराबर दूरी अब बटा के चाल नहीं कर दिए, जी सर। तो जैसे समय आपका लग रहा है आने और जाने में समय लग रहा है 10 घंटा, तो दूरी तय कर रहा है 30 किलोमीटर की, जो दूरी तय करेगा तो उसकी चाल अलग रहेगी कि वही सेम रहेगी, अलग। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे ऐसे अगर ये ऐसे ऐसे से आपका जा रहा है, अब जब ये इधर जाएगी और ये धारा इधर आपको आ रही है, तो जाने में हमको अलग चाल स्पीड का सामना करना पड़ेगा कि अलग वही करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ना, तो इसलिए जो चाल हो आपकी एक्स माइनस वाई हुई है। लेकिन जब हम इधर ये भी जा रहे हैं और इधर हम भी जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, अलग ही होगी, तो इसकी चाल अलग हुई, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के हमको टोटल कितना समय लगा, बस समझ में कोई दिक्कत है, जब इतना हो गया तो अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप मान लीजिए कि x माइनस वाई बराबर क्या है आपका a, a। यहां पर मान लीजिए कि माना x माइनस सॉरी 1/ x माइनस वाई बराबर a, a। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, और 1/ x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे, b, b मान लेंगे, क्या करेंगे, b, b मान लेंगे। वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको करेंगे ये टोटल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 1/ x माइनस वाई बराबर ए माने हैं, तो यहां हो जाएगा आपका देखिए 30 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 ए और प्लस 30 ए, अच्छा हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा आपका देखिए 30 ए प्लस क्या हो जाएगा 44 बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको मानेंगे क्या होगा, 40 ए प्लस 55 बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, चलिए 13। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। जब समीकरण नंबर 2 मानेंगे तो क्या कुछ दोनों के कोई बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा ना, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन करके इसको इधर भेज देंगे,
तो हो जाएगा देखिए 40 ए बराबर 13 माइनस क्या हो जाएगा 55 13 माइनस 55 बी। अब ए बराबर आपका हो जाएगा देखिए 13 माइनस 55 बी बटा कितना जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब ए का मान उठाकर किसमें रख दीजिए समीकरण नंबर एक में रख दीजिए। ए का मान जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो हो जाएगा देखिए 40 ए का मान क्या है कितना है देखिए 13 माइनस 55 बी बटा के कितना हो जाएगा आपका 40। इसमें रखेंगे ए का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे ना तो यहाँ पर 30 हो जाएगा ना सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका 44 बी बराबर 10। ध्यान रखते रहिए कहीं कैलकुलेशन में गलत हो ठीक है। हमने क्या किया है ए का मान किसमें रखा है समीकरण एक में रखने जब एक समीकरण एक में रखेंगे आपका तो हो जाएगा देखिए 13 का 30 में गुणा करेंगे 13 कितना आ जाएगा 39 390 हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा देखिए 0 5 3 15 एक 16 इतना बी अब बटा कितना आ जाएगा आपका 40 अब प्लस 44 बी 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा देखिए 390 माइनस 1650 बी हर बराबर नहीं है दोनों का इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 4 चौके 16 1760 सही है ना 4 चौके 16 1760 बी अब बटा के कितना हो जाएगा आपका 40 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका 390 हो जाएगा 390 में से देखिए 1760 में से 1650 घटाएंगे कितना होगा आपका देखिए प्लस में आएगा तो कितना आएगा देखिए 0 6 में से 5 गया 1 7 में से 6 गया 110 बी और 40 का इसमें गुणा करेंगे कितना होगा आपका 40 दहा में 400 समझ में आया। अब देखिए 390 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा देखिए आपका 110 बी बराबर कितना होगा 400 में से 390 मतलब 400 माइनस 390 तो 400 में से 390 घटाएंगे कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं देखिए बी बराबर आपका लिख देते हैं जब ये 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 110 ये कट गया मतलब कि बी का मान कितना आपका आया 1 बटा के 11 आया कितना आया बी का मान ए बटा के 1 बटा के 11 है। अब बी का मान उठा करके कहां रख दीजिए समीकरण नंबर यहां पर रख दीजिए एक जगह पे। इसको ऐसा करते हैं हम ना समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं बेहतर रहेगा है कि नहीं एक मान निकाल लेते हैं। तो अब बी का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे कोई दिक्कत है या फिर इसमें रखिए इसमें रखिए चाहे यहां पर रखिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें रखेंगे तो वही प्रक्रिया यहां पर होगा है कि नहीं। यहां पर लिखेंगे कि बी का मान समीकरण किसमें रखने पर तीन में रखने पर तीन में रखने पर जब बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए ए बराबर हो जाएगा देखिए 13 माइनस 55 गुणे बी का मान है 1/11 अब टोटल बटा कितना आपका देखिए 40 है तो 11 + 5 55 आया। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो हो जाएगा ए बराबर 13 माइनस 5 हो जाएगा तो 13 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा आपका 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा 8 आएगा कि नहीं हो जाएगा आएगा। तो a बराबर हम इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा देखिए a बराबर कितना हो जाएगा देखिए 8 बटा के 40 तो 8 5 40 बराबर 1 बटा के 5 a का मान कितना आया 1 बटा के 5। अब आपका जो है ए मतलब कि ए और बी का मान यहां पर रख दीजिए रख देंगे नहीं रख देंगे रख देंगे ना। अब इतने चीजों को हम मिटा दें कोई दिक्कत है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना एक और समीकरण बनेगा ठीक है इसको हम मिटा देते हैं ठीक है मिटा ठीक है ये हो जाएगा आपका देखिए इसको हम पूरा मिटाएंगे
ठीक है, तो ध्यान रखे कि ए का मान कितना आया है आपका, ए का मान एक बटा के पांच आया है। इसमें देखिए ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा वन बटा के एक्स माइनस वाई बराबर एक बटा के पांच आएगा, कितना हो जाएगा एक बटा के पांच। अब देखिए अब x माइनस वाई का वन में गुणा करेंगे और पांच का एक में गुणा करेंगे कितना जाएगा, मतलब कि x माइनस वाई बराबर कितना जाएगा आपका पांच। इसको समीकरण नंबर क्या मानिए गया, तीन मानेंगे तो इसको चार मान लीजिए, समीकरण नंबर चार मान लीजिए। अब देखिए इसमें अगर रखेंगे b का मान कितना था आपका, देखिए अब इसको और आगे छोड़िए, इसको इसको कायम कर रहे हैं ठीक है, हो जाएगा वन बटा के एक्स प्लस वाई बराबर b का मान कितना आया है एक बटा के ग्यारह, एक बटा के ग्यारह हो जाएगा। अब x प्लस वाई का वन में गुणा करेंगे थ्री गुणा करेंगे तो हो जाएगा वन, इसका मतलब हो जाएगा देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका ग्यारह। इसको समीकरण नंबर पांच मान लीजिए। समीकरण चार और पांच को आप क्या करेंगे, आप लोग जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो इसको हम लोग आप आपका निकाल लेंगे, जब आपका ये कट जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा देखिए, और हम कर रहे हैं देखिए समीकरण चार और पांच को जोड़ लेंगे, समीकरण चार तथा पांच को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब समीकरण चार और पांच को जोड़ देंगे तो यह देखिए समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना आपका आया है पांच, और x प्लस वाई बराबर कितना है आपका ग्यारह। ये वाई वाई कट जाएगा, अब x में x जोड़ेंगे कितना आएगा आपका टू एक्स बराबर ग्यारह पांच कितना हो जाएगा सोलह, तो x बराबर करेंगे देखिए हो जाएगा सोलह बटा के दो, दो अट्ठे मतलब x बराबर कितना आपका आया आठ, और x माना था ना नाव का स्थिर पानी में चाल x की भी प्रति घंटा तो हो जाएगा देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान उठा करके किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर पांच में रख दीजिए, समीकरण पांच में रख दीजिए x का मान समीकरण पांच में रखने पर, जब x का मान आप समीकरण पांच में रख देंगे तो हो जाएगा देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है आपका ग्यारह भी है, x का मान हमने निकाला आठ, अब प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा ग्यारह, तो y बराबर कितना हो जाएगा देखिए ग्यारह माइनस आठ तो y बराबर कितना आएगा तीन, तीन किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी थी, धारा की चाल थी, और x किसका था नाव की चाल, समझ में आया कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर अगर प्रूफ करना है आपको तो प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ठीक है, क्योंकि देखिए x का मान कितना आपको हम लोगों ने निकाला है आठ, और y का मान तीन, तो आठ में से तीन घटाएंगे कितना होगा पांच, और पांच छके तीस मतलब कि छह घंटा इसमें लगा, और इसमें x का मान कितना है आठ, और इसमें तीन ग्यारह, ग्यारह चौके अच्छा चार दस घंटा लगा ना, ऐसे अगर हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए।